कंट्री के कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है बल्कि ओवरऑल ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज सिर्फ ना आपको यूएस हिस्ट्री की समझ आएगी बल्कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड की समझ आएगी। आपको पता चलेगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इस तरह की सारी चीजें हैं। तो शुड वी स्टार्ट? हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि 1776 में उन्होंने आजादी की जंग लड़ी और आजादी की जंग के बाद उनको लगा कि यार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए। हम देखते हैं कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट कब बनता है? जॉर्ज वाशिंगटन तो प्रेसिडेंट बनता है 1789 में जाके। जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बनने में जाके, तो ये जो दरमियान वाला पीरियड है, अमेरिका तो बन गया 1781 में, और पहला प्रेसिडेंट आ रहा है 1789 में। ये जो बड़े लोग फन्ने खां बनते हैं ना यूएस हिस्ट्री के, उनसे पूछना कभी कि ये दरमियान वाला पीरियड इसमें क्या हुआ। तो आप एक साइकी समझें, आप ये समझें कि जो बंदा दूध से जलता है, वो लस्सी को भी छाछ छाछ के पीता है। तो जब ये लोग आजाद हुए, नोरीन ये मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइनिंग की, प्लीज इसको देखना, ये मुझे ना करना पड़े। नहीं सर, ये मैं खुद ही कर रही हूँ, ये हम जो होस्ट बैठे हैं कोऑर्डिनेटर्स, हम खुद कर रहे हैं, आपने वो रहने दे, आप वो ना देखे। ठीक है, ओके। तो हम ये देखते हैं कि उस दरमियान वाले पीरियड में क्या हुआ। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जो लस्सी से दूध से जलता है वो लस्सी को भी छाछ छाछ के पीता है। तो ये लोग ब्रिटेन के पावरफुल सेंटर से डरे हुए थे, इसलिए अमेरिकन हिस्ट्री में दो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुए हैं। अमेरिकन हिस्ट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं हुआ, अमेरिकन हिस्ट्री में दो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुए हैं। ठीक है, तो 1781 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ वो हुआ 1781 में, और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ वो हुआ 1789 में। ठीक है, अब हम जिस तरह का मातृकाकार है हम इसको कर लेते हैं इधर। तो मैं बताता हूं कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ वो हुआ 1781 में, जिसका नाम रखा गया आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। अब मुझे ये बताओ कि आज तक कभी आपके किसी दोस्त ने आपको ये कहा है मैं यूएई जा रहा हूं? हमेशा उसने क्या कहा होगा, मैं दुबई जा रहा हूं, मैं अबू धाबी जा रहा हूं, मैं जुमेरा जा रहा हूं, मैं रासुल खेमा जा रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट्स की दो टाइप्स होती है, एक होती है फेडरेशन और एक होती है कन्फेडरेशन। फेडरेशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
वो स्ट्रांग होती है, और कन्फेडरेशन के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होती है। मतलब अगर हमारा मुल्क फेडरेशन है तो यहाँ पे इस्लामाबाद के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी कि पंजाब के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी? इस्लामाबाद के पास, ठीक है। और कन्फेडरेशन में क्या होता है कि यूएई के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी या दुबई के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी? दुबई के पास। और दुबई के पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी कि दुबई जो है वो खुद एक सॉवरन स्टेट होगी। दुबई खुद क्या होगी? एक सॉवरन स्टेट होगी। तो क्योंकि ये सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से डरे हुए थे, क्योंकि ये सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने 1781 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, जिसके अंदर ज्यादा रोल किसको दिया? स्टेट को कि सेंटर को? ज्यादा रोल दिया स्टेट्स को और सेंटर को बहुत लिमिटेड रोल दिया गया। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था जिसका नाम था मोंटेस्क्यू। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था जिसका नाम था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने दुनिया को एक कंसेप्ट दिया जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था कि कानून किसने बनाना है? बादशाह ने। कानून को इंप्लीमेंट किसने करना है? बादशाह ने। और कानून की इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? बादशाह ने। किंग जो है वो ऑल इन ऑल अथॉरिटी होती थी। एंड आपको पता है कि पार करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पार करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब एक सिंगल हेड के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती थी तो वो अपनी मर्जियां करता था। मोंटेस्क्यू ने दुनिया को पहली दफा ये कंसेप्ट दिया कि ये गलत है। हु द हेल इज द किंग टू हैव ऑल द पावर? हु द हेल इज द किंग टू हैव ऑल द पावर? लेट्स डिवाइड द पावर इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। इससे उसने कहा कि एटलीस्ट तीन इंस्टीट्यूशन हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखो ना, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग। आपकी जितनी भी लॉ मेकिंग होती है वो कहाँ पे होती है? लेजिस्लेचर में। ग्रीन सिग्नल पे खड़ा होना है, ये लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। और उस लॉ को इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? आपकी एग्जेक्टिव ने। लॉ को इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? एग्जेक्टिव ने। पुलिस ने कहना है कि पुत्र इधर खड़े हो जाओ ग्रीन लाइट पे। और अगर किसी ने उस लॉ की वायलेशन की, ग्रीन लाइट पे वो खड़ा नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कितनी सजा मिलेगी? उसकी जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की वो जुडिशरी ने करनी है। मेरे ख्याल में ये आपको बेहतरीन समझ आ गया होगा। ओके कॉल दो मुझे बच्चों। चलो आगे देखो, आगे देखो। दो किस्म के लॉज होते हैं, दो किस्म के लॉज होते हैं। एक होते हैं
उनके क्या लोग के सिंपल लेजिस्लेशन और ईग होते हैं जिनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। एक कह लो कि ऑर्डिनरी लॉ होता है। नवीद, मैंने सिंपल लिखने की कोशिश की थी, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। ऑर्डिनरी लॉ ये होता है कि हमारी लेजिस्लेचर, हमारी असेंबली कोई भी बिल पास कर दे, वो ऑर्डिनरी लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो होता है कि जब उस असेंबली ने अमेंडमेंट करनी होती है, जब उस असेंबली ने अमेंडमेंट करनी होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। होता क्या है मोस्टली कि ऑर्डिनरी लॉ जो भी पास करना होता है उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब अगर यहां पे 51 लोग मान गए हैं तो वो लॉ पास हो जाएगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब 100 में से 66 बंदों को मनाना पड़ता है। आप सोचे ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया 1781 में, ऐसी कौन सी आखिर आई है कि 1788 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास करना पड़ा। ऐसी कौन सी आखिर आई है कि 1788 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास करना पड़ा। तो जाहिर बात है इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर कोई तो मसाइल होंगे ना। तो बच्चों, मजेदार बात यह है कि इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर सिर्फ एक लेजिस्लेचर थी, और लेजिस्लेचर का भी मैं तुम्हें हाल बताता हूं। लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी लॉ पास करने के लिए उन्होंने कहा कि मेजोरिटी चाहिए 2/3, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए एब्सोल्यूट। मतलब 13 स्टेट्स हैं तो 13 की 13 स्टेट्स को मानना पड़ेगा, तो तब अमेंडमेंट पास होगी वरना नहीं होगी। बच्चों, मैं एक बड़ी ही आपको सिंपल तरीन तरीके से एक बड़ा ही जबरदस्त जो है ना वो मैं आपको एनालिसिस बताने लगा हूं। उस एनालिसिस को आपने समझना है। पहले मुझे ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट। 13 में से कितनी स्टेट्स का वोट चाहिए? 13 का वोट चाहिए। फर्ज करो कि 12 स्टेट्स कह देती हैं कि ठीक है अमेंडमेंट पास कर लो, और एक स्टेट कहती है कि अमेंडमेंट पास ना करो। 12 स्टेट्स कहती हैं कि अमेंडमेंट पास कर लो, और एक स्टेट कहती है कि अमेंडमेंट पास ना करो। मेजोरिटी में 12 है कि एक है? और एक क्या होगा? माइनॉरिटी। बच्चों, डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें मेजोरिटी की बात मानी जाती है कि माइनॉरिटी की बात मानी जाती है? इस केस में मेजोरिटी की बात मानी जा रही है या माइनॉरिटी की बात मानी जा रही है? इस केस में किसकी बात मानी जा रही है? जबरदस्त, ये एनालिसिस समझ आया?
मसलन यहाँ पे जो लेजिस्लेचर थी उसके अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट था, उस लेजिस्लेचर के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट था, द लेजिस्लेचर वॉज इन एप्ट लेजिस्लेचर। बच्चों हम ये पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर कौन से मसाइल थे कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन साइन करना पड़ा। तो जो मैंने तुम्हें पहला प्रॉब्लम बताया है कि उसकी लेजिस्लेचर के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट था, मेरे बच्चों को वो टेक्निकल फॉल्ट समझ आ गया, मजा भी आया कि सिर्फ समझ ही आया। अच्छा चलो आगे देखो, आगे देखो। अच्छा उसके बाद गवर्नमेंट के क्या मसाइल होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की कितने इदारे होते हैं, हमने कहा कि तीन इदारे होते हैं, ठीक है। एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जेक्टिव होती है और एक जुडिशरी होती है। बच्चों ना यहाँ पे एग्जेक्टिव थी और ना ही यहाँ पे जुडिशरी थी। तो जिस मुल्क में एग्जेक्टिव ना हो, जिस मुल्क में जुडिशरी ना हो, मतलब जिस मुल्क में अगर एग्जेक्टिव ना हो, जिस मुल्क में अगर एग्जेक्टिव ना हो तो वो अपनी लॉ मेकिंग कैसे इन्फोर्स करवाएगा, वो तो अपने अपनी लॉ मेकिंग इन्फोर्स ही नहीं करवा सकेगा। तो क्या जिस मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ना हो तो वो मुल्क चल सकता है, नहीं चल सकता, ठीक है। और उसके बाद देर वॉज नो जुडिशरी, ठीक है। तो इन तीन चार और भी इश्यूज थे, इनकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। 1787 में जब इनको फील हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो हम अपना मुल्क चला ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि एक नया जो है हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उन्होंने एक कन्वेंशन बुलाया एंड दिस कन्वेंशन इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। बच्चों फिलाडेल्फिया क्या है, लाहौर किसका कैपिटल है, पंजाब का। बोस्टन किसका कैपिटल है, लास्ट क्लास हमारा रोल पड़ा था उसका, मैसाच्यूसेट का। तो फिलाडेल्फिया किसका कैपिटल है, पेंसिल्वेनिया का। अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो कि ये जो कन्वेंशन हुआ फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ये भी बड़ी टेक्निकल बात है, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नहीं था। ये कन्वेंशन नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नहीं था, ये कन्वेंशन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड करने के लिए था। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड करने के लिए था, ठीक है। तो यहां पे जब वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने लगे, यहां पे जब वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने लगे, तो ड्यूरिंग अमेंडमेंट प्रोसेस उनको रियलाइज हुआ, ड्यूरिंग अमेंडमेंट प्रोसेस उनको रियलाइज हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम अपना मुल्क ही नहीं चला सकते। और यहाँ पे एक बड़ा मशहूर जो है उसका एक जुमला है वाशिंगटन का के आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन
आर लाइक अ रोप ऑफ सैंड। ये वाशिंगटन ने कहा था। अब बच्चों रोप ऑफ सैंड का क्या होता है? रेत की रस्सी। मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि अगर हम इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर साथ साथ चलते रहे तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे क्या हुआ, नरीन मुझे नहीं ये जूम शूम चलाने आते और मुझे नहीं कोई आइडिया इसका कि ये कैसे होगा एवरीवन पे, और मुझे अगर सर मैं इतना पता आपको नहीं होता। कह रही, आप कंटिन्यू करें, मैं होस्ट कोई और है, लाहौर का कोई बंदा है, तो इसको कह रही हूँ। अच्छा, नहीं यस सर, परेशान हो यार, मेरे ख्याल में मुझे एक दफा प्राइवेटली मैसेज कर दो कि मेरे नहीं ख्याल कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन होगा। मैं तो आज इतना बड़ी मजेदार तरीके से, बिल्कुल ही जिसने बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चों जी सर लिखो मैं समझ रही हूँ, ए, लेकिन एक दो लिखो स्टूडेंट के बी, लिखो मैसेजेस आ रहा सी। है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स, बच्चों को मसला है? बच्चों कोई अंडरस्टैंडिंग में कितने में मसला है? नहीं है ना कोई मसला यार। एक तो तुम लोग मेरी तारीफ ही नहीं करते यार, इतना अच्छा तुम्हें कौन पढ़ा सकता है, तुम तारीफ ही नहीं करते भाई, कितने जालिम लोग हो तुम। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो, छोड़ो ये देखो। अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि यहां पे जब वो, इन्होंने कहा कि ये तो रेत की रस्सी है और रेत की रस्सी में स्टेट्स कभी भी एक दूसरे से बिखर जाएंगी, तो हमारी यूनियन जो है वो टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन साइन करते हैं। लेकिन नया कॉन्स्टिट्यूशन साइन करते हुए यहां पे इनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आपने देखा होगा कि जो हम 13 स्टेट्स बनाई थी उसमें कुछ स्टेट थी छोटी छोटी, जैसे न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, ठीक है, न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड, बड़ी छोटी छोटी स्टेट्स थी, और कुछ स्टेट्स थी बड़ी बड़ी जैसे वर्जीनिया, जैसे मैसाचुसेट, जैसे जॉर्जिया, जैसे नॉर्थ कैरोलिना, जैसे साउथ कैरोलिना। तो यहाँ पे जो छोटी स्टेट्स थी उनको लगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो बड़ी स्टेट्स तो हमको खा जाएंगी। छोटी स्टेट्स डर गई कि बड़ी स्टेट्स तो हमको खा जाएंगी। सेम इस तरह जिस तरह आज जो छोटे सूबे हैं उनको लगता है कि पंजाब हमें क्या कर रहा है, खा रहा है। ये उनके माइंड में भी ये दुख था कि बड़ी स्टेट्स तो हमें खा जाएंगी। तो इस बात को माइंड में रखते हुए यहां पे इनका इख्तलाफ हो गया। छोटी स्टेट्स चाहती थी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन पास हो वो हमारे हिसाब से पास हो। तो यहां पर जैसे मैंने एक स्टेट लिखी है न्यू जर्सी, तो स्मॉलर स्टेट्स ने एक प्लान दिया जिसको कहते हैं न्यू जर्सी प्लान, और स्मॉलर बड़ी स्टेट्स ने एक प्लान दिया जिसको कहते हैं, बड़ी स्टेट्स ने एक प्लान दिया वर्जीनिया प्लान। चलो मैं तुम्हें ये भी बताता हूं कि इनके दरमियान मसला क्या था, ये दोनों लोग क्या चाहते थे, क्या उनकी जो है एस्पिरेशंस थी, क्या वो सोचते थे डिफरेंटली, हमें पता होना चाहिए ना। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम डिबेट को कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्मॉलर स्टेट्स और ये लार्जेस्ट स्टेट्स। ओ इधर क्यों लिख दिया, इधर लिखते हैं। अच्छा ये न्यू जर्सी प्लान और ये वर्जीनिया प्लान।
स्मॉलर स्टेट्स यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन थोड़ी थी और लार्जेस्ट स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी बनती है, गवर्नमेंट के अंदर क्या होती हैं, सीट्स होती हैं और वो सीट्स डिवाइडेड होती हैं। जैसे पंजाब की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो पंजाब की सीट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो बलूचिस्तान की सीट्स कम होंगी। तो जो गवर्नमेंट होगी उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी, जो सीट्स मिलेंगी, उसके अंदर पंजाब क्या कहेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी हो या ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो। सीट्स सबको बराबर बराबर की मिलें या ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मिलें। बात पकड़ गए हो तुम लोग, बात पकड़ गए हो तुम लोग। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों प्लान्स में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कौन मांगेगा और ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी कौन मांगेगा। वर्जीनिया प्लान वाले क्या मांगेंगे, इक्वल के पॉपुलेशन की बेस पे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये चाहते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो रिप्रेजेंटेशन, जिसको टेक्निकली टेक्निकली जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी। जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन और सोवरेनिटी मतलब खुद मुख्तारी, के मतलब लोगों की खुद मुख्तारी। और ये लोग क्या चाहेंगे, न्यू जर्सी के लोग क्या चाहेंगे बताओ, ये कैसी रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे। इक्वालिटी की बेसिस पे, इक्वालिटी की बेसिस पे। मेरे बच्चों को ये बात समझ आया, पहला पॉइंट समझ आया जो रिप्रेजेंटेशन का इशू था इनका आपस में, वो समझ आ गया मेरे बच्चों को। चलो अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फेडरेशन और एक होती है कन्फेडरेशन। फेडरेशन में कौन स्ट्रांग होता है, सेंट्रल के स्टेट, सेंटर। और कन्फेडरेशन में कौन स्ट्रांग होता है, सेंट्रल के स्टेट, स्टेट। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब के बंदे ज्यादा जाएंगे सेंटर में। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब के लोग ज्यादा सेंटर में जाएंगे, पंजाब का सेंटर के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होगा। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब में से ज्यादा लोग सेंटर में जाएंगे और सेंटर के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होगा पंजाब का। और यहां पे इनके लोग थोड़े होंगे, इनका सेंटर के ऊपर कंट्रोल क्या होगा, कम होगा। अरे बच्चों मुझे ये बताओ कि पंजाब क्या ये चाहेगा कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो कि मेरी स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। और ये क्या चाहेंगे कि हमारी क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। अब इसको यहां पे अप्लाई करो, यहां पे इसको अप्लाई करो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट की जो टाइप है उसके हिसाब से ये क्या मांगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो कि स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। वर्जीनिया प्लान वाले
वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि रट्टा तो मैंने आपसे लगवाना ही नहीं है। इसको मतलब क्या कहते हैं ना, ईची बीची समझो इसकी, कैसे क्यों। और इनका क्या स्ट्रांग होगा, ये क्या डिमांड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। ठीक है बच्चों, अच्छा ये दूसरा हो गया। जो चाहेंगे सेंटर स्ट्रांग हो उनको हम क्या कहेंगे, वो फेडरेशन बनना चाहेंगे ना, जो सेंटर को स्ट्रांग देखना चाहते हैं वो फेडरेशन बनना चाहेंगे ना, उनको हम कहेंगे फेडरलिस्ट। और जो ये होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंटी फेडरलिस्ट। ठीक है बच्चों, अच्छा ओके। ये कौन, शेर शाह सर, कुछ स्टूडेंट बड़ी देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप चेक ही नहीं कर रहे। आई एम हैविंग इश्यू सिंस द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। तो मेरी जान, ये तो मैंने अभी दोबारा भी बता दी है शेर शाह, ये तो दोबारा बता दी है, अभी भी इश्यू है कोई। यार मुझे ये नहीं करना आता, अब वरना मैं कर देता। ये कहां से होगा नरीन, ये पब्लिक हो सकता है। जी सर, ये हो सकता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर है लाहौर का है, मैं उससे बता बता के मैं थक गई, वो कहता है नहीं अलाउ नहीं है। पता अच्छा अलाव नहीं है, और नहीं नहीं, उसे कहो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई कैन मैनेज। मुझे तो मजा आता है बच्चे मुझसे सवाल पूछे तो। ठीक हाँ स्टूडेंट्स का ना एक करें, जरूरी ओके ओके नोरीन, ओके ओके थैंक यू शेर शाह। बच्चे ओके समझ आ गई है जो भी आपको क्वेश्चन था शेर शाह, इट्स फाइन। चलो ठीक है, आगे देखो आगे देखो। अगला जो इनका मेन इशू था, अगला जो इनका मेन इशू था वो था पैसों का, रेवेन्यू का। ठीक है, अब ना ये बड़ा मजेदार है, ये समझ लो कि जैसे अगले बंदे को नहीं कहते तुमने अच्छा तो फिर तुमने ये कहा था तो फिर ये भी करो ना, ये बड़ा मजेदार है। ये देखो, ये क्या कहते थे कि रिप्रेजेंटेशन कैसी हो, इक्वल स्मॉलर स्टेट्स वाले, तो फिर बड़ी स्टेट्स वाले थे कि फिर बड़ी स्टेट्स वाले ये कहते थे कि फिर पैसे भी बराबर के दो। ठीक है, और ये कहते थे कि ठीक है पैसे फिर अगर तुम्हें देने हैं बराबरी के हिसाब से तो फिर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जो पैसों का मामला है ये बिल्कुल इसके उल्ट हो जाएगा, पैसों वाला मामला बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। न्यू जर्सी वाले क्या कहेंगे, ओए हम गरीब लोग हैं, छोटी स्टेट्स हैं हमारी, हम बराबरी के पैसे कैसे दे सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल पैसे देंगे हम, जितने हम पैसे कमाते हैं बस उतने पैसे देंगे। ठीक है, ये कहते थे नहीं अगर रिप्रेजेंटेशन बराबर की चाहिए तो पैसे भी क्या दो, फिर बराबरी के दो, इक्वल पैसे दो। बच्चों जब इनके दरमियान इतने ज्यादा मसाइल थे, इनके दरमियान इतने ज्यादा मसाइल थे तो यहां पे हुआ एक ग्रेट कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे हुआ एक ग्रेट कॉम्प्रोमाइज जिसको हम कहते हैं कनेटिकट कॉम्प्रोमाइज, कनेटिकट कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, कुछ बातें माननी होती हैं और कुछ बातें मनवानी होती हैं, कॉम्प्रोमाइज 100% नहीं होता।
अच्छा ये सिर्फ जो मैं बात करने लगा हूँ ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है, एमसीक्यूज के लिए। स्मॉल स्टेट्स का प्लान दिया था विलियम विलियम पीटरसन ने, लार्ज स्टेट्स का प्लान दिया था एडमंड 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 रेंडोल्फ ने। और जो कंप्रोमाइज करवाया कनेटिकट। अच्छा कनेटिकट क्या है भला, कनेटिकट क्या है भला, पता तुम्हें कनेटिकट क्या है? उनकी एक स्टेट का नाम है कनेटिकट, कनेटिकट कंप्रोमाइज। तो ये करवाया था रॉजर रॉजर शर्मन ने। ये बड़ा ही मजेदार कंप्रोमाइज था, बड़ा ही मजेदार कंप्रोमाइज था। इस कंप्रोमाइज में पॉइंट ये था, ओहो एक तो तुम तो बात करने लोगों, ये इनका फिफ्थ डिफरेंस भी लिख लो, फिफ्थ डिफरेंस भी लिखो इनका। गवर्नमेंट की हाउसेज के हिसाब से दो टाइप्स होती हैं। कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जिनको कहते हैं बाइकैमरल, जिनके अंदर दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। विलियम पीटरसन ने, छोटी स्टेट्स का विलियम पीटरसन ने, बड़ी स्टेट्स का एडमंड रेंडोल्फ ने, और कंप्रोमाइज जो करवाया वो करवाया रॉजर शर्मन ने। गवर्नमेंट की हाउसेस के हिसाब से दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बाइकैमरल, जिसके अंदर एक अपर हाउस होता है एक लोअर हाउस, दो हाउसेस होते हैं उसके अंदर। और एक होती है यूनिकैमरल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही हाउस होता है। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो पंजाब क्या कहेगा, अच्छा दो हाउस बनाते हैं, इधर भी हमारे ज्यादा लोग होंगे इधर भी हमारे ज्यादा लोग होंगे, और ओवरऑल मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, हमारी ही होगी, और हम दूसरों को वैसे क्रश कर देंगे। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो पंजाब कह के भाई जान दो हाउसेस बनाते हैं, इधर भी हमारे ज्यादा लोग होंगे इधर भी हमारे ज्यादा लोग होंगे, ओवरऑल मेजोरिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी और हम दूसरों को वैसे क्रश कर देंगे। कहेंगे नहीं 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 हाउस क्या रखना है, हमने सिंगल रखना है, हाउस क्या रखना है, हमने सिंगल रखना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें न्यू जर्सी प्लान वाले यूनिकैमरल चाहेंगे कि बाइकैमरल चाहेंगे? यूनिकैमरल। और वर्जीनिया वाले, बड़ी स्टेट्स वाले, उसके बाद यहां पे नुमान, ये पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है ना यार, एक दफा मैं तीन दफा रिपीट करता हूं, ये तो फिर कोई बात ना ना होगी, ये तो फिर दुख देने वाली बात होगी कि तीन दफा के बाद भी क्या गुंजाइश बचती है। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 10 दफा भी रिपीट कर दूंगा, लेकिन फिर जाहिर बात है 85 लोग हैं तो कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि यार ये क्या है ना, तो बच्चियां शच्चियां भी हैं क्लास में तो उनके सामने जरा रिस्पेक्ट रखा करो ना अपनी। पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, पंजाब कहता है कि दो हाउसेज होंगे, दोनों हाउसेज में हमारी मेजोरिटी होगी, दोनों हाउसेज में हमारी मेजोरिटी होगी, तो ओवरऑल मेजोरिटी हमारी हो जाएगी और हम दूसरों को वैसे ही क्रश कर देंगे। और यहां पे क्या है कि ये कहेंगे कि नहीं सिर्फ एक ही हाउस चाहिए, तो लार्ज स्टेट चाहती थी बाइकैमरल हाउस और सिंगल स्टेट चाहती थी यूनिकैमरल हाउस। अब मैंने तुम्हें इसके 5 पॉइंट्स बता दिए सर, अपर हाउस रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल देन व्हाई दे वर लार्ज। और मेरे भाई ये जिंदगी में पहली दफा सेनेट की बात हो रही है, आज जो तुम्हें ये कहानियां मिलती है ना कि अपर हाउस में इक्वल है या लोअर हाउस में, ये वो ये बाद में डेवलपमेंट हुई है,
दे वर द पाइनियर, ये पहले लोग थे जिन्होंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बताया, जिन्होंने तुम्हें सेनेट का बताया, इससे पहले कंसेप्ट ही नहीं होता था। मैं बताता हूँ, देखो आगे समझो। देखो तुम हौसला नहीं ना करते हो, हौसला किया करो, मेरे जिम्मे है ना, तो मैं बिल्कुल ना तसल्ली करवा के भेजूंगा। उन्होंने कंप्रोमाइज में पहला पॉइंट ये किया कि हाउस होगा बाई कैमरल, और उसमें एक हाउस होगा अपर हाउस और एक हाउस होगा लोअर हाउस। अपर हाउस का उन्होंने नाम रखा सेनेट, और लोअर हाउस का नाम रखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अपर हाउस में बात मान ली स्मॉलर स्टेट्स की, और लोअर हाउस में बात मान ली लार्जर स्टेट्स की, और कहा कि अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, और लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब इनके 53 लोग होते हैं लोअर हाउस में, और अलास्का की पॉपुलेशन कम है, इसका तकरीबन जो है एक बंदा होता है लोअर हाउस में। तो जब भी बिल पास होगा तो क्या अलास्का को क्या फीलिंग आएगी, अलास्का को क्या फीलिंग आएगी कि मेरा तो यहां पे कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है और अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। अभी तक यहां तक समझो, इसको तो अलोन वाली फीलिंग आएगी कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसकी महरूमी को खत्म करने के लिए एक अपर हाउस क्रिएट किया गया, जिसमें कहा गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेनेटर कैलिफोर्निया के भी दो होंगे और सेनेटर अलास्का के भी दो होंगे, और साथ में ये कहा कि जो भी बिल लोअर हाउस से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अगर पास हो भी गया है, जो भी बिल लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पास हो भी गया है, जब तक वो बिल अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी पास नहीं होगा, वो बिल लॉ नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताना है कि सिर्फ समझ आई है कि मजा भी आया है? चेस आ गई है, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, पहला कंप्रोमाइज समझ आ गया, आखिरी पॉइंट रिपीट कर दो। पाकिस्तान के इंडेक्स में समझो डॉक्टर काजी, कि लोअर हाउस में बिल कैसे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और अपर हाउस में बिल कैसे पास होता है ऑन द इक्वालिटी। देखो ना, जो भी बिल लोअर हाउस में पास हो जाएगा ना, तो छोटी स्टेट्स को तो यही लगेगा ना कि यार हम तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो बिल लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पास होगा, जब तक वो बिल अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी पास नहीं होगा, वो बिल पास नहीं होगा।
अच्छा, उसके बाद जो इनका मसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करनी है या नहीं करनी, और ये सारा मसला था, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट की, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट की। लेकिन शुरू में सेंटर को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, ना सेंटर को बहुत ज्यादा वीक किया। एक मिडिल वे मेथड अपनाया, एक मिडिल वे मेथड अपनाया, और सेंटर के अंदर जो अथॉरिटी लगाई एग्जेक्यूटिव, उसको उसको चेक लगा दिया लेजिस्लेचर का भी। ये हम चेक एंड बैलेंस डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और उसके ऊपर चेक लगा दिया जुडिशरी का भी, ताकि सेंटर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये इशू था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो या स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, तो ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया ना उसको बहुत ज्यादा वीक किया। एक मिडिल वे अपनाया जिसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्रिएट की, और उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर लेजिस्लेचर का भी चेक लगा दिया, और उसके ऊपर जुडिशरी का भी चेक लगा दिया। और ये मैं तुम्हें पूरी डिटेल में इसी क्लास में बाद में बताऊंगा। और पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सेंटर के पास ट्रेड पॉलिसी नहीं होती थी, तो यहां पे इन्होंने ट्रेड पॉलिसी भी सेंटर को दे दी। अब मुझे ये बताओ, जब हम ये पढ़ रहे थे, जब हम ये पढ़ रहे थे प्रॉब्लम इसके, जब सेंट्रल एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है तो कोई सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम होगा? आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के अंदर नहीं होगा। ये बात बड़ी मजेदार है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर टैक्सेशन सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया गया था। कौन बताएगा क्यों, इसका रैशनल क्या है, क्यों नहीं क्रिएट किया? ब्रिटेन की गवर्नमेंट की याद करो, अपनी दूसरी क्लास याद करो, उनका मसला क्या था, मेन मसला ब्रिटेन के साथ था क्या? टैक्स 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 टैक्स। मेरे ख्याल में अब कंप्लीट पिक्चर बन गई होगी, मुकम्मल तस्वीर बन गई होगी। यहां पर उन्होंने कहा कि सेंटर के पास टैक्सेशन अथॉरिटी भी होगी, जिसके अंदर इंटरनल टैक्सेस, एक्साइज टैक्सेस भी वो लगा सकती है, और एक्सटर्नल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज भी वो लगा सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड नहीं होगा, अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं होगा। क्यों क्यों? वो ऐसे कि जब तक इसको आपकी, उन्होंने कहा आपकी यहां पे 9/13, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, जब तक 9 स्टेट्स इसको रेटिफाई नहीं करेंगी ये इन्फोर्स नहीं होगा। ये बात समझ आई बच्चों? अगेन यहां पे जो स्मॉलर स्टेट्स थी वो दोबारा खड़ी हो गई।
यार मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, प्लीज मुझे इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। क्या प्लीज, बड़ा मना मुझे सिंसियर कमेंट करना तुम लोगों ने, ये प्लीज मेरा तुमसे वादा है। क्या मैं अपने लेक्चर्स को पीपीटी स्लाइड्स पे कन्वर्ट करूं, या ये मेथड ज्यादा अच्छा है? मतलब मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाऊं और जो है पीपीटी स्लाइड चलती रहेंगे, ये ज्यादा अच्छा है? ठीक है यार बच्चे, जो आप कौन बच्चा था जो कह रहा था? मैं देखो, मुझे मुझे जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो है ना वो बड़ा आसान है, मुझे मुझे वो बड़ा आसान है, वो जो मेथड है ना कि मैं जो है सुकून से पीछे बैठ जाऊं ऐसे करके, बेहतरीन टेक लगा कर सामने लैपटॉप चलता रहे, और मैं, मुझे तो वो ज्यादा आसान है, ठीक है ना? लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा मुश्किल है कि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, एक हाथ से मैं लिखता हूँ, तो ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार, तुम लोगों को फायदा हो, तो आई एम वेरी सॉरी यार, मैं वो नहीं कर सकता। कि देखो मैं तो यही चाहता हूँ ना कि देखो, एक अगर तुम लोग ने मुझ पे ट्रस्ट किया है या नोवा पे ट्रस्ट किया है, तो आई थिंक यू शुड गेट द बेस्ट। पता नहीं कहाँ पे थे हम। हाँ, उन्होंने कहा कि जब तक स्मॉलर स्टेट्स, उन्होंने कहा कि जब तक सारी स्टेट्स नाइन स्टेट्स एग्री नहीं होंगी, तो तब तक ये जो है ये पास नहीं होगा। अब यहाँ पे ना एक मसला हुआ, उस मसले को आपने समझना है। जो छोटी स्टेट्स थी, जो स्मॉलर स्टेट्स थी, वो कहती थी कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानेंगे, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानेंगे जब हमारे राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानेंगे जब हमारे राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो स्मॉलर स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लार्जर स्टेट्स ने प्रॉमिस किया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर लो, जैसे ही ये इन्फोर्स्ड होगा हम इसके अंदर 10 अमेंडमेंट्स कर देंगे जिसमें तुम्हें तुम्हारे बेसिक राइट्स मिल जाएंगे, और उन पहली 10 अमेंडमेंट्स को कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। तो यही हुआ कि वो जब मान गई, तो बाद में जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इन्फोर्स हुआ, जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इन्फोर्स हुआ, तो साथ में इन्होंने कहा कि इसके अंदर अमेंडमेंट भी करते हैं, ठीक है? तो पहली जो 10 अमेंडमेंट्स हैं वो साथ ही हो गई थी, जिनको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉमिस के साथ 1789-88 में दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन आया था आपके पास पेपर में के राइट द फॉर्मेशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग तो स्टार्ट करेंगे ना यहाँ से, न्यू जर्सी प्लान से और वर्जीनिया प्लान से। तुम स्टार्ट करना यहाँ से, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन से। पहले ये बताना कि इसके अंदर क्या मसाइल थे, फिर ये बताना कि उन मसाइल की वजह से फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कैसे हुआ, फिर स्टोरी आगे लेके आना कि उस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में क्या प्रॉब्लम्स थे,
फिर दोनों लार्जर सेक्शंस क्या चाहते थे, फिर ये बताना कि कंप्रोमाइज में क्या हुआ, और फिर ये बताना कि कंप्रोमाइज के बाद स्मॉलर स्टेट्स राजी नहीं हो रही थी, स्मॉलर स्टेट्स को राजी करने के लिए उनको क्या प्रॉमिस किया गया, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। और मैं अल्लाह की जात से डर के कह रहा हूँ कि तुम खुद भी देख लोगे कि ये जो मटेरियल है, दिस इज इनफ टू अटेम्प्ट द 20 मार्क क्वेश्चन। बच्चों आगे चलें। अच्छा अब सर फर्स्ट पेज दिखा दें, फर्स्ट पेज को देख के क्या करना है? ये था फर्स्ट पेज यार, वो टिपिकल बच्चों की तरह एक ही पेज पे फंस ना जाया करो कि ये पेज मिस हो गया था, पता नहीं इसमें क्या था, बात को समझा करो। यही तो यार मेरा थ्योरम है कि मतलब तुम्हें कंसेप्ट समझ आने चाहिए, लिख तो तुम सारे खुद ही लोगे। कंसेप्ट क्लियर है सारे कॉन्स्टिट्यूशन के? अच्छा अब हम देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स क्या थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स क्या थे। तो इसका पहला सेलियंट फीचर ये था कि इट वाज ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत छोटा है, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं बस। और इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, वो कैसे? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 इज अबाउट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 2 इज अबाउट एग्जेक्टिव, आर्टिकल 3 इज अबाउट जुडिशरी। And it is the written constitution. आपको पता है ना ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो अनरिटन है, इट इज रिटन इन नेचर, इट इज फेडरल इन नेचर। और ये जो गवर्नमेंट बनाता है, वो बनाता है प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलो मैं तुम्हें ये भी समझाता हूँ कि तुम्हें ये बताता हूँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। एक सिंपल सा फार्मूला है, तुमने वो समझना है तुम्हें सारी कहानी समझ आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है प्राइम मिनिस्टर, और जो मॉडर्न डेफिनेशन है गवर्नमेंट की वो होती है प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी कैबिनेट, इसको मिला के कहते हैं गवर्नमेंट। आपकी सुप्रीम कोर्ट का एक केस है 2015 का, मुस्तफा केस, समथिंग लाइक दिस, उसमें प्रॉपर डिफाइन है कि पीएम और उसकी कैबिनेट जो है वो गवर्नमेंट है। एक छोटी सी मुझे ये बात बताओ कि हमारे पीएम ने जब इलेक्शन लड़ा था तो वो एज एन एमएनए लड़ा था या फॉर द पीएम लड़ा था? एमएनए लड़ा था। ये दूसरी बात मुझे ये बताओ कि पीएम जो अपनी कैबिनेट सिलेक्ट करता है, जो अपने वजीर सिलेक्ट करता है, वो कैबिनेट से करता है कहीं और, ये वो लेजिस्लेचर से करता है कहीं और से करता है? लेजिस्लेचर से करता है।
नेशनल असेंबली से, नहीं, दैट इज मैं दोनों से ही, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से, दोनों से भी। तो मेरे ख्याल में तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, नेशनल असेंबली और सेनेट को मिला के कहते हैं पार्लियामेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा एग्जेक्टिव ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर पहले किसका पार्ट बना? लेजिस्लेचर का। और लेजिस्लेचर ने फिर इसको क्या बनाया? प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर पहले नेशनल असेंबली में आया, और नेशनल असेंबली ने उसको क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जो अपनी कैबिनेट बनाता है वो कहां से आ रही है? वो भी लेजिस्लेचर से आ रही है। और गवर्नमेंट एग्जेक्टिव होती है, एग्जेक्टिव हेड होती है गवर्नमेंट। और हमने गवर्नमेंट को कैसे डिफाइन किया? हमने कहा कि पीएम प्लस एग्जेक्टिव हमारी क्या है? गवर्नमेंट है। अब मुझे ये बताओ कि हमारी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के साथ इसका कनेक्शन है कि नहीं है? है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि ट्रंप ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा था या एज ए सेनेटर या हाउस ऑफ मेंबर्स के तौर पे? ऐसे प्रेसिडेंट लड़ा था, ठीक है। और इसकी इसकी जो कैबिनेट है जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं, अब किचन से क्या मुराद है? अम्मी जान का कंट्रोल। अम्मी जान का कंट्रोल कैसे होता है किचन पे? पूरा पूरा जिस मर्जी को अंदर करे, जिस मर्जी को बाहर करे किचन से। मतलब कैबिनेट जो है ये प्रेसिडेंट की मर्जी से आती है, और ये लेजिस्लेचर से नहीं होती, उसकी अपनी मर्जी से होती है। आप मुझे ये बताओ कि ट्रंप की जो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट बनेगी, प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट, क्या वो लेजिस्लेचर से होती है? उसके लेजिस्लेचर के साथ कोई रिलेशन है? नहीं है। हमारे पीएम को किसने सेलेक्ट किया है? लेजिस्लेचर ने। और एग्जेक्टिव भी लेजिस्लेचर से आई है। जब ये दोनों लेजिस्लेचर से आए हैं तो क्या ये लेजिस्लेचर को जवाब दे हैं? बिल्कुल है। तो जब आपकी एग्जेक्टिव का रिलेशनशिप हो आपकी लेजिस्लेचर के साथ, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्या यहां पे प्रेजिडेंट लेजिस्लेचर से आ रहा है? और जब आपका एग्जेक्टिव का कोई भी ताल्लुक ना हो आपकी लेजिस्लेचर के साथ, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट। ये तो फर्क है, यहां पर प्रेसिडेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, तीसरा पढ़ना रिटर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चौथा फेडरल गवर्नमेंट बनाता है, फेडरल गवर्नमेंट बनाता है, पांचवा जो है ये प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, छठा ये कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल गवर्नमेंट बनाता है, सातवां यहाँ पे है कि ना हमारे यहाँ सुप्रीमेसी किसको बिलोंग करती है? सुप्रीमेसी किसको बिलोंग करती है? अल्लाह को।
उनके यहाँ सुप्रीमेसी बिलोंग करती है कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से आगे है वो उनके यहाँ नल एंड वाइड है। और वहां पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। अब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना क्यों मुश्किल है, इसकी मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो, यहां पे हुई कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन, ठीक है, यहां पे हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, उसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर अमेंडमेंट बिल आया, लेजिस्लेचर ने वो बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर लिया। उसके बाद वो बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भी उस बिल को ओके कर दिया। क्या अब अमेंडमेंट हो जाएगी? वो तो जानी चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट नहीं होती। उसके बाद ये बिल आता है स्टेट्स के पास, ये बिल आता है स्टेट्स के पास, और जब तक 3/4 स्टेट्स, मतलब अगर आजकल 50 स्टेट्स हैं, तो जब तक 37 स्टेट्स एग्री ना हो, जब तक 37 स्टेट्स एग्री ना हो, ये अमेंडमेंट पास नहीं होती। इसलिए एक अमेंडमेंट को पास करने के लिए यहाँ पे डेकेड्स भी लग जाते हैं। यही वजह है कि आज तक सिर्फ उनकी 27 अमेंडमेंट पास हुई हैं बस। चलो, मतलब मैं इसके अंदर भी एक टेक्निकल बात बताता हूँ। पता है आपको टेक्निकली कितनी अमेंडमेंट्स पास हुई हैं? भला टेक्निकली पता कितनी अमेंडमेंट्स पास हुई हैं? टेक्निकली 17। वो कैसे? 10 तो उसी साल होगी थी, पहली 10 तो बिल ऑफ राइट्स के साथ ही होगी थी। पहली 10 अमेंडमेंट्स को कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, वो तो पास हो गई 1791 में। मतलब उसके बाद 1791 से लेके 2020 तक, मतलब 200 प्लस इयर्स में इन्होंने 17 अमेंडमेंट की हैं। और हमने माशाल्लाह 1973 से लेके 2020 तक तकरीबन 40 सालों में हमने अराउंड 27 से ज्यादा अमेंडमेंट्स कर लिए। चेक किया हमने यूएसए कैसे आगे जा रहे हैं? अरे तुम पाकिस्तान को ब्लेम करते, चेक किया प्रोग्रेस रेट? चेक किया ये क्या, ये 17 अमेंडमेंट फजूल किस्म के? चेक करें आप, सिर्फ 40 सालों में 27 अमेंडमेंट कर दिए हैं। मच अहेड, मच अहेड, कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारा। मेरे बच्चों बात समझ आई है? क्लियर है सारा, कोई अ सिंगल डाउट? अच्छा, इसका अगला फीचर है और उस फीचर को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। उस सिस्टम को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। ये एक उनका सेलियंट फीचर है, लेकिन जिस तरह मैंने तुम्हें कहा था सेकंड क्लास में कि वो सिर्फ मर्केंटालिज्म पे भी अलग सवाल पूछ सकता है, इसी तरह वो चेक्स एंड बैलेंस पे भी अलग सवाल पूछ सकता है। तो हम चेक्स एंड बैलेंस को अलग से डिटेल में देखेंगे। और इवन कि आपके जो कोर्स है, यूएसएसटी का कोर्स है, उसके अंदर भी ये अलग से दिया हुआ है सेलियंट फीचर्स, और ये चेक्स एंड बैलेंस अलग से दिए हुए हैं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ चेक्स एंड बैलेंस पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं।
ब्रेक करनी है तुम लोगों ने? ब्रेक लेनी है? अच्छा चलो, ये 4:32 हो गए हैं, तो 4:50 तक तुम्हारी ब्रेक है, तो 4:50 पे मैं शार्प स्टार्ट कर दूंगा। आई विल स्टार्ट शार्प एट 4:50। अमेंडमेंट इनिशिएट होती है लेजिस्लेचर में, दो में से स्टेट्स भी अमेंडमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। Legislature is totally different from US executive. ये बात क्लियर है? US legislature is totally different from US executive. Legislature का एग्जेक्यूटिव के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब देखते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस कैसे है। देखें, ये इस तरह है कि लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के ऊपर और एग्जेक्टिव का जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी का लेजिस्लेचर के ऊपर, फिर जुडिशरी का एग्जेक्टिव के ऊपर, एग्जेक्टिव का लेजिस्लेचर के ऊपर और लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर एक सिस्टम है। उस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है कि इनमें हर इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी डोमेन में काम करता है और कोई भी इंस्टीट्यूशन दूसरे की डोमेन में नहीं जाता और उनके दरमियान एक वर्केबल बैलेंस रहता है और इनमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो है वो ओवर पावर्ड नहीं होता। इनमें से कोई एक इंस्टीट्यूशन ओवर पावर्ड नहीं होता। मैं आपको मिसाल बताता हूँ। मिसाल ये है कि लेजिस्लेचर जो भी बिल पास करती है वो भेजती है एग्जेक्टिव के पास और एग्जेक्टिव के पास अथॉरिटी होती है कि वो उस बिल को पास कर दे या वो उस बिल को वीटो कर दे। लेजिस्लेचर के पास बिल पास करती है, वो बिल पास करती है सिंपल मेजोरिटी के साथ, 50-51 बंदे का वोट चाहिए। बिल चला जाता है एग्जेक्टिव के पास, एग्जेक्टिव या उस बिल को पास कर देता है या उस बिल को वीटो करके रोक देता है। मेरी बात सुनो, अगर लेजिस्लेचर के ऊपर प्रेसिडेंट की बिल पास करने की या वीटो करने की अथॉरिटी ना हो तो लेजिस्लेचर क्या हो जाएगी? ओवरपावर्ड हो जाएगी, ओवरपावर्ड हो जाएगी। देखो ना, अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं है, अगर लेजिस्लेचर का कोई रोकने वाला रास्ता नहीं है, तो लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास कर देगी या कोई भी बिल, अगर प्रेसिडेंट इसका रास्ता ना रोके
तो लेजिस्लेचर क्या हो जाएगी? ओवर पावर्ड। इसका मतलब है किसी भी बिल को पास करना या किसी भी बिल को वीटो करना, यहाँ पे एग्जेक्टिव का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक होता है। बात समझ आ गई बच्चों? लेजिस्लेचर ने बिल भेजा प्रेसिडेंट के पास, एग्जेक्टिव के पास। एग्जेक्टिव ने या उसको पास करना है या उस बिल को वीटो करना है, या उस बिल को पास करना है या उस बिल को वीटो करना है। अगर प्रेसिडेंट हर बिल को वीटो करने लग जाए तो फिर कौन ओवर पावर्ड हो रहा है? अगर प्रेसिडेंट हर बिल को वीटो करने लग जाए, और हमने क्या बनाना है, इनके दरमियान एक वर्केबल बैलेंस बनाना है, एक वर्केबल बैलेंस बनाना है। ठीक है, अब देखो होता ये है कि लेजिस्लेचर अगर कोई बिल भेजती है एग्जेक्टिव के पास और एग्जेक्टिव उस बिल को वीटो करता है, तो वो बिल दोबारा आ जाएगा नीचे लेजिस्लेचर के पास। पहले लेजिस्लेचर ने पास किया था बिल सिंपल मेजोरिटी के साथ, 51 वोट्स के साथ। अब अगर उसी बिल को लेजिस्लेचर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर ले, अब अगर उसी बिल को लेजिस्लेचर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर ले, तो वो बिल नीचे ही लॉ बन जाता है, ऊपर एग्जेक्टिव के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती, और वो वीटो जो प्रेसिडेंट ने किया होता है वो वीटो क्वालिफाइड वीटो हो जाता है, वो वीटो खत्म हो जाता है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी लेना, 67 बंदों को मनाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इतने लोगों को आप इकट्ठा मिला लें। तो आप किसी बिल को क्वालिफाइड वीटो कर देना, ये लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के ऊपर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, या समझ लो कि ये बैलेंस कर देगी उस चेक को जो प्रेसिडेंट ने लगाया था। लेजिस्लेचर का बिल पास करके जाना एग्जेक्टिव के पास, और एग्जेक्टिव का बिल को पास करना या वीटो करना एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है लेजिस्लेचर के ऊपर। और अगर प्रेसिडेंट हर बिल को वीटो करने लग जाए, तो जिस भी बिल को प्रेसिडेंट वीटो करता है वो बिल आता है नीचे लेजिस्लेचर के पास। अगर लेजिस्लेचर उसी बिल को दोबारा 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दे, तो वो बिल एग्जेक्टिव के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती। और अगर कोई बिल लेजिस्लेचर 2/3 मेजोरिटी के साथ शुरू में ही पास कर ले, तो बेशक वो ऊपर ना भी भेजे, वो बिल नीचे ही लॉ बन जाता है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी लेना इतना आसान नहीं होता। बच्चों समझ आ गई ये बात? अच्छा आप देखो, ये एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव अपना ऑर्डर भी पास करती है, उसको कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर। एग्जेक्टिव अपना ऑर्डर भी पास करती है, जी, इसको कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के सामने लेजिस्लेचर बेबस है। लेजिस्लेचर इस एग्जेक्टिव ऑर्डर का कुछ भी नहीं कर सकती, इसको मोल्ड नहीं कर सकती। ये एग्जेक्टिव ऑर्डर इस लेजिस्लेचर को बायपास कर देता है, इसका दिल जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जेक्टिव ऑर्डर को एक अथॉरिटी रोक सकती है, जिसको हमने क्या कहा,
जुडिशरी, जुडिशरी इस एग्जेक्टिव ऑर्डर का करेगी जुडिशियल रिव्यू, और इसके साथ वो इस एग्जेक्टिव ऑर्डर का जुडिशियल वीटो भी कर सकती है। तो ये जुडिशरी का एग्जेक्टिव के ऊपर चेक है और एग्जेक्टिव का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक है। लेजिस्लेचर जो भी बिल पास करती है, लेजिस्लेचर जो भी बिल पास करती है, जुडिशियल वीटो वो वीटो होता है जो जुडिशरी करती है। किसी बिल को जब जुडिशरी खत्म करती है उसको जुडिशियल वीटो कहते हैं। लेजिस्लेचर जब कोई बिल पास करती है तो इस बिल का भी जुडिशरी जो है वो जुडिशियल वीटो कर सकती है। इस बिल का भी जुडिशरी जुडिशियल वीटो कर सकती है। जाहरी बात है यार, जुडिशरी तो सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है। सेवनटीन एटी एट के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 3 है वो होगा अबाउट लेजिस्लेचर, नहीं अबाउट जुडिशरी। आर्टिकल 3 वाज अबाउट जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी बनानी कैसे है ये नहीं लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था कि जुडिशरी होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी बनानी कैसे है ये नहीं लिखा हुआ था। तो 1789 में एक एक्ट पास हुआ जिसको कहते हैं जुडिशरी एक्ट, जिसमें जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन का सोचा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है, ये फेडरल कोर्ट होगी, मतलब इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, उसके नीचे 3 जो हैं वो सर्किट कोर्ट बनाई गई, और इनके नीचे जो है ये 13 जो हैं वो फेडरल कोर्ट्स बनाई गई। एक जज लगाया गया, चीफ जज, 5 उसको सपोर्ट करने के लिए जो है एसोसिएटिंग जज लगाए गए। आजकल कितने हैं, आजकल कितने जजेज हैं सर्किट कोर्ट्स, सर्किट कोर्ट्स आजकल 9 जजेज हैं, 9 9 जजेज हैं आजकल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जो एक जज है ना, जो एक जज है ना उसकी लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होती है। एक दफा वो अपॉइंट हो गया तो जब तक वो फौत नहीं होगा वो रिटायर नहीं होगा। लेकिन ये जो जजेज हैं ये 9 होंगे, 7 होंगे, 6 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, लेजिस्लेचर। तो ये लेजिस्लेचर का क्या हो जाएगा, जुडिशरी के ऊपर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। समझ आई बात।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर, चेक हो जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज है, वो अथॉरिटी होती है एग्जेक्टिव के पास, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनेट करता है कि ये बंदा मैंने जज लगाना है। असल जो अप्रूवल है वो लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है वो अप्रूव करता है कि चलो ठीक है तुम ये बंदा जज लगा लो। तो एग्जेक्टिव क्या करता है, नॉमिनेशन, और अपर हाउस क्या करता है, उसका अप्रूवल। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जुडिशरी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, बताओ, चेक लगा रहे हैं, चेक। प्रेसिडेंट ने जितनी भी, प्रेसिडेंट ने, एग्जेक्टिव ने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करनी है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो सेनेट का अप्रूवल लेके करेगा। प्रेसिडेंट ने जो भी यहां पे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी है तो वो ट्रीटी भी अपनी मर्जी से साइन नहीं कर सकता, उसके लिए भी इसको सेनेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने अगर अपनी कैबिनेट का कोई बंदा भी लेकर आना है तो उसके लिए भी इसको सेनेट का अप्रूवल चाहिए। आज मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात, तुम लोग हैरान हो जाओगे। जो वॉर है, वॉर की जंग लड़नी है किसी मुल्क से या नहीं लड़नी, वो पता कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता, लेजिस्लेचर करती है। लेजिस्लेचर डिसाइड्स अबाउट द वॉर। और इवन के ये जो लेजिस्लेचर है ये एग्जेक्टिव को इम्पीच भी कर सकती है, एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये एग्जेक्टिव है, ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है, एग्जेक्टिव का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक है वीटो का, लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर चेक है ऑर्गेनाइजेशन का, जुडिशरी का एग्जेक्टिव के ऊपर चेक है, डी है जुडिशियल वीटो का, जुडिशरी का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक है, जी जुडिशियल वीटो का, लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के ऊपर चेक है, जी अपॉइंटमेंट्स का, वॉर का, ये सारा कुछ, एग्जेक्टिव का जुडिशरी के ऊपर चेक है, जी है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। क्या तुम्हें ये अगर सवाल आए कि इनमें से कौन सा इदारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वेरी गुड, शाबाश, कोई भी नहीं, नो वन।
हर कोई अपनी अपनी डोमेन में है, और यही 2020 में सवाल आया था और सारे लोग उसको गलत करके आ गए, कोई इसको स्ट्रॉन्ग करके आ गया, कोई इसको स्ट्रॉन्ग करके आ गया, कोई इसको... उसने पूछा यही था, उसने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि इनमें कौन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने अगली बात पता क्या पूछी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, पहले ये पूछा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, अगली बात पूछी इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो ये सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। देखो कितने हैं, कितनी तुम्हें बताई हैं, 10-12 को तुम्हें बता दी है मैंने, चेक बैलेंस चेक बैलेंस चेक बैलेंस, एक बंदा था जॉन लॉक, जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने दुनिया को ये बताया कि जो पार है वो किससे बिलोंग करती है, पीपल से, और ये जो तुम किंग समझते हो और तुम्हें ये लगता है कि किंग के पास कोई डिवाइन राइट है, कोई किंग खुदा का अवतार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, और ये लोगों का नेचुरल राइट है कि वो अपने आप को अपना खलीफा खुद बनाए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, इसके अंदर मोंटेस्क्यू था जिसने कहा कि पावर्स को क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, रोजू था, रोजू ने क्या कहा कि लोगों के दरमियान और जो लीडर होता है उसके दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर रूलर अच्छा परफॉर्म ना करे तो लोगों के पास इक्वल अथॉरिटी है कि वो उस किंग को दफा दूर कर दें। इस इन सारी थ्योरीज को कहते हैं लॉकियन फिलॉसफी, इस सब को कहते हैं लॉकियन फिलॉसफी, और जब इन लोगों ने ये बात यूरोप में की, जब इन लोगों ने ये बात यूरोप में की तो लोगों ने कहा तुम उल्लू के पट्ठे हो, ठीक है, तुम उल्लू के पट्ठे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि किंग को कोई हटा सके, ऐसा कैसे हो सकता है कि किंग के सामने कोई खड़ा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि किंग के पास पावर छीन के लोगों के पास पावर आ जाए, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारा कुछ, ये सारा कुछ पहली दफा किसने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाया, यूएसए ने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉकियन यूएस पॉलिटिकल फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन लॉकिन फिलॉसफी, या क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉकियन फिलॉसफी या नहीं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉकिन फिलॉसफी। देखो पावर बिलोंग्स टू पीपल, पावर बिलोंग्स टू पीपल, लोगों के पास राइट हो कि वो अपने नुमाइंदे खुद सेलेक्ट करें, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, लोग सेलेक्ट करते हैं लीडर अपना,
यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है, लोग सेट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस का सेनेट का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे भी सही, बाद में यूएस के सेनेट का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरी बात, बैलेंस डिवीजन ऑफ पावर है आर्टिकल 1 लेजिस्लेचर, आर्टिकल 2 एग्जेक्टिव, आर्टिकल 3 जुडिशरी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये तो लॉकियन फिलोसफी से भी एक स्टेप आगे हैं। ये लोग तो लॉकियन फिलोसफी से भी एक स्टेप आगे हैं। लॉकियन फिलोसफी ने चेक एंड बैलेंस का तो नहीं बताया था, लॉकियन फिलोसफी ने चेक एंड बैलेंस का तो नहीं बताया था। उसके बाद रोजू, रोजू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर रूलर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको फेंक दो, उड़ा दो उसको। क्या किंग को मोनार्कियल पीरियड में 70s में कोई उड़ा सकता था, जिस दौर में ये लोग बातें कर रहे थे? इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर नहीं हो रहा तो उड़ा दो पकड़ के। तो एक दफा ये सवाल आया था कि यूएस, ये 2019 में आया मेरे ख्याल में, कि लॉक इन फिलोसफी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉक इन फिलोसफी। तो अब ये अटेम्प्ट हो जाएगा? अब मेरी बात सुनो, मुनीर, मुनीर नियाजी एक पंजाबी का शायर है, उर्दू की में भी उसने शायरी की। वो कहता है कि मैनू जेड़ी धुन लग जाती है, मैनू जेड़ी धुन लग जाती है, मतलब तो जो मैं सोच लेता हूं फिर ना उस तो हटदा मैं, मतलब तो फिर नहीं मैं उससे वापस आता, जो मैं सोच लेता हूं फिर मैं वही करता हूं। मैनू जेड़ी धुन लग जाती है फिर ना उस तो हटदा मैं, जहर सी या अमृत सी सब अंत ते जाके पीता मैं। मैनू जेड़ी धुन लग जाती है फिर ना उस तो हटदा मैं, जहर सी या अमृत सी मतलब यो मीठा था या खट्टा था, मुझे मुश्किल आई या सहूलियात आई, मैंने फिर उनको बर्दाश्त किया टॉप करके, सब अंत ते जाके पीता मैं, अखीर कर दी मैंने उस सब में। मैनू जड़ी धुन लग जाती है फिर ना उस तो हटदा मैं, जहर सी या अमृत सी सब अंत ते जाके पीता मैं। और कहता है कि कदे ना रुक के कंडे कड्डे, कदे ना रोक के कंडे कड्डे, मतलब मैं जा रहा हूं ना कहीं रास्ते में, अगर मुझे कोई कांटा लग गया है, अब ये तो उसने बताना, एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है कि मेरे रास्ते में जो भी मुझे मुश्किलात आई हैं मैंने उनको बॉदर ही नहीं किया, मैंने उनको देखा ही नहीं है कि वो क्या है। कदे ना रोक के कंडे कड्डे, जख्म कदे ना सीता मैं, मुझे जो चोट लगी है ना मैं फिर उस पर रोने नहीं बैठ गया, मैं अपने जख्म को सीने नहीं बैठ गया, मैं आगे से आगे बढ़ा हूं। मैनू जड़ी धुन लग जाती है फिर ना उस तो हटदा मैं, जहर सी या अमृत सी सब अंत दे जाके पीता मैं, कदे ना रोक के कंडे कड्डे, जख्म कदे ना सीता मैं। अगर तुम मुझसे पूछो ना एक चीज कि सर सी से इसमें क्या मुश्किल है, तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि सीएसएस करने के दरमियान जो उसके साथ एसोसिएटेड इश्यूज होते हैं, जैसे बच्चियां हैं काफी सारी होंगी, उनको
उनकी शादी के इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी शादी करते हैं, बच्चे हैं उनके भी को अपने इश्यू स्टार्ट हो जाते होंगे, डिग्री करनी है, नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है। सीएसएस से मुश्किल नहीं है, सीएसएस करते हुए ये जो दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं ना, ये सबसे मुश्किल है। तो ड्यूरिंग सीएसएस आपने रुकना नहीं है, कदे ना रुक के कंडे कटे, जख्म कदे ना सीता में। और आखिरी बात यही है कि वो उसका शेर है मियां मोहम्मद बख्श का कि लोड़न वाला रेया ना खाली, लोड़ की थी जिस सच्ची, मतलब जिसने सच्ची स्ट्रगल की ना वो कभी खाली नहीं रहता। लोड़न कहते हैं ढूंढना, कुछ भी तलाश करना। लोड़न वाला रेया ना खाली, लोड़ की थी जिस सच्ची, मतलब जिसने भी किसी चीज को सच्ची लगन के साथ फॉलो किया, लोड़न वाला रेया ना खाली, वो कभी भी खाली नहीं रहा। लोड़ की थी जिस सच्ची, लोड़ करेंदा जो मोड़ आया, मतलब ढूंढते हुए जो वापस आ गया, कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़े रट्टे लगाने पड़े। सच्ची सच्ची बताना, कहीं पे एक रट्टा लगाने की जरूरत है? कोई एक सिंगल कंसेप्ट जो क्लियर ना हो, मैंने तुमसे पहली क्लास में एक वादा किया था कि मैं तुम्हारा फेवरेट टीचर बनूंगा, वो मैंने जीत लिया कि अभी रहता है? अभी 5 क्लासेस रहती हैं वैसे। मेरी जिंदगी में यार बस एक ही इमोशनल मसला है मेरे साथ कि वी वर 3 फैमिली मेंबर्स, मैं, अम्मी और अब्बू, आई हैव नो सिस्टर नो ब्रदर, एंड आई लॉस्ट माई मदर इन 2015। तो कल मदर डे था तो मुझे अम्मी की बड़ी याद आई, तो आज तुम लोग मतलब जब अफ्तारी करना तो मेरी मम्मा की वजह से दुआ करना कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। अल्लाह ताला तुम सबको बहुत कामयाब करे, ढेर से दुआएं तुम लोगों के लिए। और जो हमारी अगली क्लास होगी वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तुम्हें ये बात चैलेंज के साथ कह के जा रहा हूं कि ऐवी किसी से पूछ लेना कि यार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है ना, तो वो जो तुम्हें जवाब देंगे वो भी तुमने सेव करके रखने हैं, और एक मैं तुम्हें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा। जिस साल इलेक्शन होता है उस साल मोस्टली जो है वो क्वेश्चन जरूर आता है यूएस हिस्ट्री में। तो 2016 में क्योंकि इलेक्शन हुआ था, 2017 में क्वेश्चन आया था, तो अभी 2020 जो है इलेक्शन ईयर है, तो मेरा ये गेस है कि 2021 में क्वेश्चन जरूर आएगा इलेक्शन से। तो अगली क्लास में हम उसको डिटेल से देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।